तो फाइनली गाइस प्रभास की फिल्म कल्कि का आज सिनेमाघरों में पांचवा दिन है और दोस्तों अपना चार दिनों का वीकेंड क्या ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। फिल्म प्रभास की कल्कि ने वो वाकई देखने लायक और काबिले तारीफ है। फिल्म आज अपने पांचवें दिन भी पूरी तरह से हाउसफुल है। फिल्म के कलेक्शन में कोई भी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं साल 2022 में रिलीज हुई थी SS राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर अपने पहले पांच दिनों में इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही थी और कल्कि फिल्म अपने पहले पांच दिनों में इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई कर रही है, इन दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म आगे निकल चुकी है, कौन सी फिल्म ने मारी है बाजी, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप प्रभास रामचरण और जूनियर NTR को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे RRR फिल्म की, जो कि एक बहुत बड़ी फिल्म थी और बड़ी ही शानदार फिल्म थी। RRR को जितनी बार भी देखो मन नहीं भरता है, बार बार ये फिल्म देखने का मन करता है। फिल्म को डायरेक्ट किया था SS राजामौली सर ने और SS राजामौली सर का जो डायरेक्शन होता है वो कमाल का होता है। इनकी फिल्मों का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर मैं RRR की बात करूं तो दोस्तों RRR में एक बड़ी स्टार कास्ट हमें देखने को मिली थी। अजय देवगन, आलिया भट्ट और रामचरण जूनियर NTR इस फिल्म में थे और फिल्म का जो बजट था वो 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। लेकिन अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो RRR अपने पहले पांच दिनों में जो कलेक्शन करने में कामयाब रही थी उसमें पहला दिन आता है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ओपनिंग डे पर, तो 130 करोड़ रुपए इस फिल्म ने सभी भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा, मलयालम, यानी कि पांचों भाषाओं में अपने पहले दिन इंडिया से 130 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड कमाई हुई थी पहले दिन की वो 223 करोड़ रुपए थी। दूसरे दिन फिल्म का सैटरडे का कलेक्शन था 86 करोड़ 70 लाख रुपए का। तीसरे दिन संडे को फिल्म ने कमाए थे 100 करोड़ 30 लाख रुपए। चौथे दिन मंडे को फिल्म का कलेक्शन था 48 करोड़ 80 लाख रुपए और पांचवें दिन फिल्म ने सभी भाषाओं में 38 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा और मलयालम। तो इस तरह से अपने पहले पांच दिनों में फिल्म RRR 404 करोड़ 70 लाख रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी। जा दोस्तों यहां पे ध्यान रखिएगा, पांच दिनों में RRR ने इंडिया के अंदर जो नेट कमाई की थी वो 404 करोड़ 70 लाख रुपए की थी। फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन हुआ था वो 484 करोड़ 10 लाख रुपए का हुआ था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 133 करोड़ 90 लाख रुपए और कुल मिला के फिल्म ने अपने पहले पांच दिनों में 618 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी, जो कि काबिले तारीफ कमाई थी और वाकई ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन चलिए बात करते हैं कल्कि की, कि कल्कि फिल्म अभी तक कहां पहुंची, क्या RRR को ये फिल्म पीछे छोड़ चुकी है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कल्कि की तो ये भी एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी थी जिसका बजट था लगभग 600 करोड़ रुपए का। फिल्म में हमें प्रभास, दिशा पटानी, दीपिका पाडुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन अहम किरदारों में नजर आई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था नाग अश्विन ने और ये एक एपिक साइंस फिक्शन डेस्ट्रोपैन एक्शन फिल्म थी, जो कि एक बहुत बड़ी फिल्म थी। फैंस को इस फिल्म का बहुत ज्यादा इंतजार था। लेकिन अगर मैं कल की फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो अपने पहले दिन इस फिल्म ने 98 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कमाए थे, तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था पहले दिन का वो 191 करोड़ 50 लाख रुपए था। दूसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 65 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से सभी भाषाओं में। तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 72 करोड़ 77 लाख रुपए। तो अपने पहले तीन दिनों में फिल्म कल्कि ने 233 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया से नेट कर लिए थे सभी भाषाओं में। तो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो 415 करोड़ रुपए था ऑफिशियली। उसके बाद चौथा दिन संडे था तो संडे को फिल्म ने ताबड़तोड़ कलेक्शन करके 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सिर्फ इंडिया से कलेक्शन किया। पांचवें दिन की अगर मैं आज की बात करूं तो दोस्तों आज मंडे है, वर्किंग डे है, लेकिन बावजूद इसके आज भी फिल्म कम से कम 60 करोड़ रुपए कमा रही है। तो फिल्म की जो पांच दिनों की टोटल कमाई है वो 395 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी। अब यहां पे आपको याद रहे कि 395 करोड़ पांच दिनों में और RRR का कितना था 404 करोड़ रुपए, यानी कि अगर हम इंडिया के कलेक्शन की बात करें तो RRR आगे थी। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, क्योंकि ओवरसीज का बाप है प्रभास, ये बात आपको याद रखनी है, ओवरसीज में प्रभास की फिल्में तगड़ा कलेक्शन करती है, तो इस वजह से RRR से आगे निकल चुकी है अपने पहले पांच दिनों में फिल्म कल्कि, क्योंकि कल्कि ने पांच दिनों में यानी कि आज तक
660 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर लिया है, जो कि एक काबिले तारीफ कलेक्शन है और बेहतरीन कलेक्शन है। और ट्रिपल आर के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जो कि 618 करोड़ रुपए था 5 दिनों में। तो कल की फिल्म 5 दिनों में ट्रिपल आर से आगे निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों, ट्रिपल आर या फिर कल की, दोनों में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा बढ़िया, कमेंट में जरूर बताइएगा।